गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को गंगा दशहरा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो करता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन पृथ्वी पर गंगा जी का आगमन हुआ था, इसीलिए इस पुण्य और पवित्र दिन को गंगा दशहरा नाम से हम सभी मनाते हैं। इस दिन गंगा जल से स्नान किया जाता है, गंगा जी के नामों का स्मरण किया जाता है तथा गंगा जल का हमारे घर में छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारे घर के सभी दोषों का समन हो जाता है एवं हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको गंगा दशहरा की दिव्य और पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ना है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। गंगा दशहरे की जो पावन कथा है, गंगा जी के प्रागट्य की जो विशेष कथा बताई गई है, वो श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय में बताई गई है और इस कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया है कि मनुष्य कई प्रकार के पूजन पाठ करता है, उपाय करता है, दान करता है, पुण्य करता है, लेकिन उसको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता है। आखिर क्या वजह होती है कि घंटों माला जपने के बाद भी, पूजन पाठ करने के बाद भी मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वह बहुत दुखी होता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे पूर्व जन्मों के पाप इतने अधिक होते हैं, जिनको समाप्त किए बिना हम अपने पुण्यों का उदय नहीं कर सकते हैं और जब तक पुण्यों का उदय नहीं होगा तब तक हमें सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उसको अपने पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म है, बुरे कार्य है, उनको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म को जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे तब तक पुण्यों का उदय नहीं होगा और पुण्यों का उदय नहीं होगा तो आपको जीवन में उन्नति और प्रगति नहीं मिल पाएगी, इसलिए पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गंगा दशहरा का जो महापर्व है वह पूर्व जन्म के पाप नष्ट करने का सबसे उत्तम और पवित्र दिन माना गया है। इस दिन गंगा जल से स्नान करना चाहिए, गंगा जी के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जल का छिड़काव घर में करना चाहिए। एक बूंद भी गंगा जल यदि गंगा दशहरा के दिन कोई भी पी लेता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो गंगा दशहरा की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। इस पृथ्वी पर राजा सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। उन्होंने इस संसार में कई बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्हीं के पुत्रों द्वारा पृथ्वी को खोद करके समुद्र बना दिया था, अर्थात सागर का निर्माण कर दिया था। सगर के पुत्रों के द्वारा ही पृथ्वी खोदी गई थी, तभी से सागर बना हुआ है। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मान करके तालजंग, यवन, शक, हेहय और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं दी, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने की ही आज्ञा दी, ओढ़ने की नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और वो ऋषि के आदेश के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उस यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं पर घोड़ा न मिला
तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के आश्रम के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। उस यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर देख करके वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठा करके यह कहते हुए कपिल मुनि की ओर दौड़ पड़े और कहा कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें बंद कर रखी है। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय भगवान नारायण के अवतार कपिल मुनि ने अपने आंखों की पलकें खोली। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया था। इस तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही सगर के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए, भस्म हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सगर के जो पुत्र थे कपिल मुनि के क्रोध से जल करके भस्म हुए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्व गुण के परम आश्रय है। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता है, उनसे भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला कहीं पृथ्वी की धूल भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है, इसके पार जाना अत्यंत कठिन है। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी है, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र है, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से असमंजस नाम के पुत्र का जन्म हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। असमंजस पहले जन्म में योगी थे, संघ के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझे। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते थे और अपने को पागल सा दिखलाने लगते थे। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू में फेंक देते थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर रखा था। अंत में उनकी एक ऐसी करतूत देख करके पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग कर दिया। उसके बाद असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखा करके वे स्वयं वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें आश्चर्य की जो है ठिकाना नहीं रहा और राजा सगर को भी बड़ा भारी पश्चाताप दुख हुआ। उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे चल करके उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़ों को देखा और उस घोड़े को देख करके प्रसन्न हुए। वहीं पर भगवान नारायण के अवतार कपिल मुनि को बैठा हुआ देखा। उनको देख करके उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से कपिल देव की अंशुमान ने सबसे पहले स्तुति की। अंशुमान ने कहा कि भगवान, आप अजन्मा है और आपका जन्म कभी नहीं हो सकता है। आप ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए हैं, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए हैं। हम लोग तो उनके मन शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव है, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण प्रधान है, वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों विषयों को और सुतप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते हैं। हे परमात्मा, आप एक रस है, ज्ञान धन है, सनंदन है, और मुनि जो आत्म स्वरूप के अनुभव माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव और उनके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं।
माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया और उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही है। न तो आपका नाम है, न तो रूप है, आप में न कार्य है और न कारण है। आप सनातन आत्मा है। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हे प्रभो, यह संसार आपकी माया की ही पूरी जो है करतूत है। इसको सत्य समझ करके काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त, शरीर तथा घर आदि में भटकता रहता है। लोग इसी चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों के आत्म प्रभो, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम यहाँ से ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचा का उद्धार केवल और केवल गंगा जल से होगा, क्योंकि गंगा जी की उत्पत्ति भगवान नारायण के चरणों से हुई है और ब्रह्मा के कमंडल में आएगी। उसके बाद भोलेनाथ अपनी जटाओं में धारण करेंगे और उसके बाद पृथ्वी पर गंगा जी आएगी, तभी तुम्हारे चाचाओं का उद्धार कर पाएगी। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की तथा वो घोड़े को ले गए। सगर ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया को समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन युक्त मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरव के बतलाए हुए मार्ग से परम पद को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घनघोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर अंशुमान की मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, परंतु वो भी असफल हो गए और समय व्यतीत हुआ, उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे राजा भगीरथ। भगीरथ ने भी गंगा जी को लाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की और एक पैर पर खड़े होकर कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप मृत्यु लोक में पधारिए, मृत्यु लोक में आपकी आवश्यकता है। हे माता, आप जब मृत्यु लोक में आएगी तो आप कई जो है आत्माओं का उद्धार कर देगी। गंगा जी ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी फोड़ करके पाताल में, रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझमें आ करके अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। भागीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार करके देख लो। राजा भागीरथ कहते हैं कि हे माता गंगा जी, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्री की कामना का संन्यास कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर के अपने आप शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन है, वे अपने अंग स्पर्श से आपके पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघ रूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि भगवान शंकर के अलावा आपका वेग धारण करने की किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए माता गंगा, आप सबसे पहले भोले बाबा की जटाओं में समा जाइए और भोले बाबा आपकी जटा में समाहित कर लेंगे और जितने संत है, साधु महात्मा है, वो आप में स्नान करेंगे। यानी समय समय पर साधु महात्मा आपके नदी में स्नान करेंगे और तीर्थ में स्नान करेंगे और नदी तीर्थ के किनारे पर उनका वास होगा
और उनकी तपस्या और उनके पुण्य प्रभाव से आपके अंदर जो लोग पाप छोड़ करके जाएंगे वह पाप नष्ट हो जाएंगे। हे माँ गंगा, यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गंगा जी से इस प्रकार कह करके राजा भगीरथ ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को सबसे पहले प्रसन्न किया। थोड़े ही दिनों में भगवान महादेव जी उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितेशी है। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कह करके स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने जटाओं में धारण कर लिया। क्यों न हो, भगवान नारायण के चरणों से गंगा जी का प्रागट्य हुआ है और उन गंगा जी को भोलेनाथ अपने इष्ट देव के चरणों से जो प्रकट हुई है उनको जटाओं में धारण करके परम पवित्र होना चाहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे गंगा जी जो है पृथ्वी पर आई और राजा भगीरथ के जो पितृ थे, जो उनके पूर्वज थे, जो राख के ढेर पड़े हुए थे, वो वायु के वेग के समान चलने वाले गंगा जी की लहरों से स्पर्श हो रहे थे और पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करते हुए गंगा जी इतनी तेजी से स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ रही थी। उनका वेग बहुत तेज था। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंच करके उन्होंने सागर के जले हुए 60,000 पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सगर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार से भस्म हो गए थे, इसलिए उनके उद्धार का कोई और उपाय न था। फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग में चले गए। हे परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब लोग श्रद्धा के साथ नियम से लेकर के गंगा जी का सेवन करते हैं, गंगा जल का स्नान करते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल का स्मरण करते हैं, गंगा जी का नामोच्चारण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ भी कहा है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है और निकलने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उनको स्थापना की थी। उसके बाद कमंडल से भोले बाबा की जटाओं में आई और भोले बाबा की जटाओं में से निकल करके ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि यानी गंगा दशहरा के दिन पृथ्वी पर गंगा माता का प्रागट्य होता है और सगर के 60,000 पुत्रों को तार देती है। तो गंगा जी का बड़ा ही अद्भुत महात्म बताया गया है। श्रद्धा और भक्ति के साथ में गंगा जी का कोई भी चिंतन करता है या स्मरण करता है वह सभी निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट करके तुरंत वह भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गंगा जी का नाम लेना, गंगा जी का जलपान करना, गंगा जी का ध्यान करना और गंगा जल से स्नान करना, ये सभी कार्य परम पवित्र और पुण्य देने वाले बताए गए हैं। गंगा जी की लहरों से यदि गलती से भी किसी की अस्थि या राख स्पर्श हो जाए तो उसका मोक्ष हो जाता है। एक समय की बात है, गरुड़ पुराण में ऐसा बताया है कि एक सिंह था, वह बड़ा पापी था और उसकी मृत्यु हो गई और उसकी हड्डियों को उठा करके एक चील आसमान में उड़ रही थी। अचानक वह हड्डियां उसके मुख से गिर करके गंगा जी में गिर जाती है और जैसे ही गंगा जी में गिरती है उसका मोक्ष हो जाता है और वैकुंठ लोक से उसकी आत्मा को लेने के लिए एक परम पवित्र और पावन विमान आता है और उस विमान में बैठ करके उस सिंह की आत्मा स्वर्ग लोक को चली जाती है। यानी यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो 10 दिन के अंदर यदि उसकी अस्थि गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाए तो निश्चय ही उसका मोक्ष हो जाएगा और उसकी कभी भी जो है अधोगति नहीं होगी। यदि आपके घर में किसी की मृत्यु होती है या किसी की अस्थि रखी हुई है या आपके कोई भी परिचित की अस्थि है तो उन्हें गंगा जल से स्पर्श जरूर करवाना चाहिए या गंगा जल में उनको विसर्जित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उनको परम पद और मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी।
तो भक्तजनों, हमने आपको गंगा दशहरा की यह पावन कथा सुनाई है। बोलिए गंगे माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गंगे महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम, माता गंगा का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।